হ্যাঁ চলে এসছে, ঠিক আছে। তাড়া আছে মানে শিয়ালদা স্টেশনে যাব। শিয়ালদা স্টেশন তো एक बात बताओ, मेरा पिछवाड़ा दर्द हो गया है। हेलो दोस्तों, तुम सभी लोगों मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल का नाम है कोलकाता सिटी राइडर, मेरा नाम है बीजू। और क्या बताएं, ये देख रहे हो इसको, ये हम लोगों का पाड़ा का मोहल्ला का ये हम लोगों का बॉस है। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल क्या नाम है बताओ तुम, जोर से बोलो। माय नेम इज ईशान। हाँ ये ईशान है, तो ये हमारे घर के नीचे रहता है, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ता है। सो अभी देख रहो शाम का वही इवनिंग हो रहा है, 4:30 बज रहा है, 5 बजने को आया है। तो अभी मैं फिर से वही निकल रहा हूँ ओला उबेर करने के लिए, और आज का भी टारगेट वही है, पकड़ के वही चलो। 1000 रुपये का टारगेट लेके चल रहा हूँ, अब जितना हो जाए उतना अच्छी बात है। भाई 1000 होगा कि नहीं होगा आज? 1000 हो जाएगा तो हाँ, अरे भाई बोल दिया हो जाएगा, अब देखता है होगा कि नहीं होगा, होना ही पड़ेगा, पाड़ा का बॉस जो बोल रहा है। और कुछ बोलना है तुमको? तो भाई ये शर्मा गया है, तुम लोगों को कुछ करना नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं निकल रहा हूँ, तो तुम लोगों से बातें करता हूँ बाइक पर। दोस्तों देख लो, मुझे फिर से आज घर से ही कॉल मिल गया। अभी 10 मिनट में यहाँ पे खड़ा भी था, वही बच्चा लोग से खेल रहा था, बातें बातें कर रहा था, तो तभी कॉल मिल गया। और यहीं पर ये खास ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये है साउथ सिटी जाएगा, तो जो भी मिल रहा है कम से कम घर से तो आगे बढ़े, फिर उसके बाद देखते हैं क्या किया जाए। कौन तो? हाँ हाँ 4988। ये वाला राइड 5 किलोमीटर का है। नहीं नहीं, मैं अपना बात कर रहा हूँ, ये वाला राइड दोस्तों 5 मिनट का है, सॉरी 5 किलोमीटर का है, तो बोला था छोटा है। भाई दो में से एक चीज़ तो आज कम है जो मैं बता सकता हूँ, वो है गर्मी। और रही बात रास्ता जाम का, तो वो तो अभी जैसे जैसे ये रातें मतलब शाम रंगीन होगा वैसे वैसे पता चलेगा कि आज कितना जाम मिलेगा। एक है ने साइड खोले दी। हाँ चले, ठीक है। वैसे जो लोग नया देख रहा, मैं बता दूं कि टारगेट क्या था। टारगेट था 1000 रुपया मेरे को एक शिफ्ट में काम करके उठाना है, तो वो पिछले 2 टाइम से मैं ट्राई कर रहा था, तो तीसरा बार में मेरा हो चुका है। तो वो वीडियो अगर देखना है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा है, सो तुम लोग देख लेना। अरे 3 किलोमीटर दूर आने के बाद, घूमने के बाद मुझे एक कॉल मिला है, पास में ही था, एकदम जस्ट पास में ही था, और ये वाला ओला की तरफ से मिला है मेरे को, और शायद यही है, एक बार पता करते हैं, पहले रास्ता क्रॉस कर ले। कौन जाएगा? अच्छा ये दादा जाएगा। कितना है? 4337। ताड़ा आचे मने শিয়ালদা स्टेशन जाओ। শিয়ালদা स्टेशन तो हाँ, जहाँ टाइम लागे सेटर मुझे पहुँचे देवो। लाइन खुले दीची ना, एखने टाइम वेस्ट हो जाए। कत टाइम लागे एखान थेके? एखान थेके ट्रेन कटा है 5:55 तो पहुँचे देवो, ठीक है जे? चलो बसे जाओ। दोस्तों देख लो, जिनको শিয়ালদা पहुंचना था जल्दी, ट्रेन पकड़ना था, उनको फटाक से पहुंचा के ट्रेन पकड़ा के अभी मैं শিয়ালদা से बाहर निकल चुका हूं, क्योंकि क्योंकि শিয়ালদা जो स्टेशन है वो बहुत भीड़ भाड़ है। और एक मेरे को पिकअप मिला था, लेकिन जस्ट मतलब 200 मीटर है, लेकिन वहां पे इतना नो एंट्री है कि भाई
उसको अगर लेने जाए तो हमको 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, इसीलिए कैंसिल करके हम अभी आगे जा रहा है आगे। अच्छा, आज का सीन ऐसा है कि मेरे को भाड़ा तो मिल रहा है, लेकिन क्या है ना कि 3-4 किलोमीटर मैंने ऐसे खाली मैंने रास्ता मापने के बाद मेरे को मिल रहा है। जैसे अभी देखो, सियालदा से अभी खाली आ रहा था, तकरीबन 4 किलोमीटर हम खाली आया, अभी यहाँ पे मिला है। और ये यहाँ से अभी 350 मीटर है पिकअप का दूरी, और जाएगा भाई पार्क सर्कस जाएगा। तो देखता है, इसको भी फटाक से ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं करने से अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है तब से, तो इन्हीं को लेके चलते हैं, क्या पता वहाँ से मिलने लगे। दादा पिंटा बोले दाओ 9907। हाँ वही तो, हाँ हाँ गोप्रो 9907। হ্যাঁ হচ্ছে, হ্যাঁ আসবে তো কালকে, তুমি চলে আসবে ভিডিওতে, হ্যাঁ একদম সোজা। এই তো পিছনে হেলমেটের নাম লেখা আছে, কন্টেন্ট কন্টেন্ট ওলা উবের লাগ রা। মেরে কো অ্যাড্রেস পড়নে মে ভুল হুয়া হ্যায়, লাগ রা ও পার্ক সার্কাস নেই হ্যায়, ও শায়দ ইধার হ্যায় কাহিন কৃষ্ণপুর সাইড মে। एक मिनट हम पूछ ले रहे हैं दादा, ड्रॉप लोकेशन तक होता है? हाँ चिनार पार्क, या एकदम मेरा शक था चिनार पार्क वहीं पे, तो चिनार पार्क है दादा का लोकेशन, तुम लोगों ने तो सुन लिया। अच्छा जगह है, वहाँ से भाड़ा मिलने का चांसेस रहता है, 80% तो रहता ही रहता है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:10, और दादा को छोड़ दिया है चिनार पार्क में। चिनार पार्क से जैसे ही मैं अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा चाय वाय पी रहा था, तो चाय वाय पी के 15-20 मिनट यहाँ टाइम बिताने के बाद जब मैं आगे आ रहा था न्यू टाउन के साइड में, तब यहाँ पे ठीक यहीं से यही सिग्नल से एक मेरे को भाड़ा मिला है। ये उस पार में है, मैंने बात कर लिया, कन्फर्म कर लिया है। सो अभी मेरे को उस पार जाना होगा, तो एक बार सिग्नल हो जाए उस तरफ का तो मैं उस तरफ जाके पिकअप कर लेता हूँ। और अभी का रास्ते का हाल तो देख ही रहे हो तुम लोग, जाम है, ऐसी बात नहीं है कि जाम नहीं है, जाम है। सो अभी पहले तो देखूं कौन है कौन, कौन है कौन, कौन है वो, बोलो कौन है वो। आपने बुक किया था? हाँ समझ, 7887। तो भाइयों ये नज़ारा देख लो, तो अभी मज़ा आ रहा है क्योंकि एकदम पीक टाइम है, 7:30 हो रहा है, तो अभी सब ऑफिस से छुट्टी होके घर जा रहा है, और पड़ गया इसमें, मैं भी पड़ गया। और ये रास्ता इधर सारा ऑफिस इधर ही पड़ता है, न्यू टाउन है, सॉल्ट लेक है, सारा सारा ऑफिस इधर ही है, इसीलिए पड़ गया मैं ये जाम पर। सौ 150 मीटर पार करने के लिए साला 15 मिनट से रेंग रेंग के जा रहा हूँ। 1 hour later अभी भी 1.3 किलोमीटर है भाई। और एक बात बताऊँ, मेरा पिछवाड़ा दर्द हो गया है यार। हाय हाय हाय, मेरा पिछवाड़ा दर्द हो गया है, जल्दी से छोड़ के हम थोड़ा 10 मिनट खड़ा होना होगा हमको। और एक चीज़ अच्छा है कि अपना बिल्कुल घर का पास में फिर से वापस, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे फिर आ गया हूँ मैं। और एक बात है जो मैं सोच रहा हूँ, बोलता हूँ तुम लोगों को, पहले मैं हमको उतार दूँ। हाँ, तो जो मैं तुम लोगों से कहने वाला था कि भाई देखो, मैं अपना घर से ना जस्ट कितना होगा, 1 किलोमीटर दूर है,
और एक चीज और था कि मैं जो कल 24 घंटा ऑफिस से ड्यूटी करके आज सुबह आया हूँ और अभी तक सोया नहीं है, तो अभी मुझे थोड़ा नींद लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि और ओला उबेर ना करके घर चले जाऊँ, क्योंकि घर फ़ोन किया था तो बोला कि अगर अच्छा नहीं लग रहा तो चले आओ, खाना भी हो गया है, तो हम अभी घर के तरफ जा रहा है। और जो कमाई हुआ है आज का वो तुम लोगों को मैं बता दूं कि ये देखो 314 रुपया हुआ है, 314 रुपये 91 पैसा हुआ है उबेर में। और ओला का जो कहानी है वो है 83 रुपया, तो ये 83 रुपया और उधर 314 रुपया 91 पैसा को अगर जोड़ोगे तो समझ लो वही 395 रुपया हुआ है, तो मतलब 400 के आसपास का कमाई अभी तक हुआ है। और टाइम हो रहा है 8:15 में था, 10 मिनट तो वहाँ बात कर रहा था मैं, तो 8:15 में ही काम ख़त्म हो गया था। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा मन नहीं कर रहा और करने का, तो मैं जा रहा हूँ घर घर घर, क्योंकि जब घर का आदमी बुला लिया तो और फिर करके कोई फ़ायदा है नहीं। और आज कॉल भी बहुत कम है, ना के बराबर वाला कॉल है, देखो मेरा पीछे एक खड़ा हुआ बेचारा, उधर रास्ते में भी हम देखते आ रहा कि आज सब खड़े खड़े सिर्फ मोबाइल में ही देख रहा है कि कॉल आ रहा या नहीं आ रहा। तो मेरा किस्मत अच्छा था जो मुझे 400 रुपये का कमाई हो गया और वापस घर के सामने ही आज मैंने आया लेकर मैं, तो छोड़ो जो होना था सो तो हो गया। अभी फ़िलहाल चलते हैं घर, और तुम लोगों को बस मैं यही बोलूँगा कि देखो भाई अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, भाई का मेहनत अगर पसंद आता है और भाई का मेहनत अगर अच्छा लगता है तो करना क्या है तुम लोग को पता है। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।